आम आदमी पार्टी यूथ विंग मध्य हरियाणा की प्रेसिडेंट रेनू राणा इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कुछ अहम इश्यूज के ऊपर। रेनू, 26 जनवरी को चक्का जाम किसानों ने रखा हुआ है, चक्का जाम के साथ साथ ट्रैक्टर मार्च रखा हुआ है, ट्रैक्टर मार्च को लेकर क्या रणनीति है? ट्रैक्टर मार्च को लेकर सबसे पहले तो हम ये मैं आपके माध्यम से और की टीम के माध्यम से जो है जनता को ये बताना चाहती हूँ, सरकार को भी, ये जो किसान आंदोलन है अभी तक जो इतना सफल रहा है, इसमें एक तो हम शांतिप्रिय तरीके से, कोई भी अप्रिय घटना इसमें नहीं होगी, इस चीज़ का भी हम आश्वासन देते हैं। और इसमें हम जो है युवा किसानों के साथ डटकर खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। पहले भी हमने ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए हैं और जो 26 जनवरी को जैसे भी निर्देश होंगे आगे से किसानों के जो होंगे उसमें युवा जो है उनके साथ बिल्कुल डट के खड़ा रहेगा और जो उसका हिस्सा बनेगा। पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, उसमें यूथ की हिस्सेदारी कैसे देखते हैं और आम आदमी पार्टी यूथ के लिए क्या करने जा रही है? हमारा जो भारत है एक युवा देश है और युवा ही है वो समाज भी और देश और प्रदेश में बदलाव लेकर आएगा, ऐसे हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक उनका भी यही मानना है। और मेरे को जो युवा की जिम्मेदारी मिली है हरियाणा में, तो मैं यही कहूंगी कि मैंने जो भी आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता देख रही हूँ उसमें काफी सारे ऐसे कैंडिडेट गर्ल्स स्पेशली, मगर बात करूँ तो लड़कियां भी जो है वो भी अपने इसमें जो है हिस्सेदारी दिखा रही है। युवा लड़कियां, युवा लड़के वो सामने हमारे पास जो है बड़ा मतलब हमारे सामने बढ़ के आ रहे हैं कि हाँ हमने भी चुनाव फाइट करना है और अपने प्रदेश की सेवा करनी है। आम आदमी पार्टी यूथ विंग की आप मध्य हरियाणा की प्रधान है, नशा रोकने के लिए अवेयरनेस के रूप में अभी तक क्या कैंपेन आपने चलाई? नशा रोकने के लिए मैंने अपने प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की है और कई मैं पेरेंट्स से घर घर जाके मैं पेरेंट्स से मिलती हूँ कि आपको सिर्फ प्रशासन के भरोसे, सरकार के भरोसे अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इंसानियत के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस सोसाइटी में बैठ रहा है। आखिरकार ये नशा जो है ये बढ़ता उड़ता पंजाब की तर्ज पर, जब हरियाणा भी एक उड़ता हरियाणा की तर्ज पर निकल पड़ा है, प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं फेलर साबित हो लेकिन पेरेंट्स कभी फेल साबित नहीं हो सकता है। तो मैं पेरेंट्स से जाकर मिलती हूँ कि आप अपने बच्चों को इस नशे से कैसे दूर रख सकते हैं, उनको अवेयर करना ज्यादा जरूरी है बजाय बच्चों के। कृषि कानूनों पर लगातार वार्ताएं हो रही हैं, वार्ताएं सिरे भी नहीं चढ़ पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? कृषि कानूनों के प्रति मैं सच कहूं तो इस सरकार की जो मैं मतलब की तानाशाही देख रही हूं कि इतने किसान हमारे उनकी शहादत हो गई है, ऐसे में अगर किसानों का पीछे हटना तो मैं भी कभी एडवाइस नहीं करूंगी क्योंकि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जो किसानों ने इसमें शहादत दी है। ऐसे में सरकार को ये समझना चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठकर उनको ये देखना चाहिए इंसानियत के नाते कि इतनी ठिठुरती ठंड में किसान वहां पर बैठा है, तो उनको सरकार को इसमें सोचने की जरूरत है कि आप तीनों कृषि बिल जो है इनके खिलाफ लेकर आए हैं। सरकार बार बार ये बात कहते उनको वापस लेनी चाहिए और सरकार बार पर एक बात कहती है कि इस किसानों के समर्थन में, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मेरे समर्थन में आप कोई चीज बनाते हैं और मुझे लगता है कि उससे मेरा खतरा है तो आपका फर्ज बनता है आप उसे वापस ले ले, नुकसान होगा तो हमारा होगा, किसानों का होगा, लेकिन इसमें साफ साफ मैं यही कहूंगी कि जो अगर फायदा हो रहा है तो वह मोदी जी के चहेतों का फायदा हो रहा है, ये सीधा सीधा दर्शाता है कि तानाशाही इस हद तक आ गई है कि हमारे बुजुर्ग जो है बड़ी संख्या में उनकी शहादतें हुई हैं और उसके ऊपर एक ट्वीट भी ना आना किसी का तो दिखाता है कि इनको देश से प्यार नहीं है, प्रदेश से प्यार नहीं है। आम आदमी पार्टी यूथ विंग की सक्रियता हरियाणा में कैसे बढ़ाई जाएगी, कहाँ कहाँ नई इकाइयां जल्दी खड़ी की जाएंगी? मैं क्योंकि मुझे युवा की जिम्मेदारी मिली है तो यही कहेंगे कि युवा देश है और युवाओं से अपील भी करूंगी और युवा मेरे साथ जुड़ भी रहे हैं, बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं, तो इसमें यही है कि रीढ़ की हड्डी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रीढ़ की हड्डी जो है वो यूथ विंग होता है। और यूथ के कब सामने आता है, जिस तरीके से अभी आप किसान आंदोलन देख रहे हैं उसमें युवाओं के अंदर बड़ा रोष आ रहा है कि हमारे बुजुर्ग हमारे अधिकारों के लिए, आने वाली पीढ़ी के अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरा है लेकिन ये सरकार रुकने का नाम नहीं ले रही। तो जो युवा पॉलिटिकली इंटरफेयर नहीं करते थे, उनको रुचि नहीं थी, अब वो लोग भी जो है राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, अब अगर आपको अपने देश की सेवा करनी है, अपने प्रदेश की सेवा करनी है तो आपको राजनीति में आना जरूरी है। ऐसे लड़कों ने मुझे आकर कहा कि मैम हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, मेरे पास बहुत अच्छी टीम तैयार हो गई है। धन्यवाद। तो ये है रेनू राणा, इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी यूथ को जोड़ने की कोशिश कर रही है, नशे के खिलाफ मुहिम चला रही है और कृषि कानूनों पर ट्रैक्टर मार्च में शामिल होगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।